हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन 11th और 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 11th में या 12th में हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपने नरेशन पढ़ा होगा, फिर आपने सिंथेटिक्स पढ़ी होगी, और तीसरे स्थान पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने उसको जरूर देख लिया होगा। वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिमूव टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, स्क्रीन पे लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर, यानी कि दो रूल आपको पढ़ाए जा चुके हैं। दो रूल का मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें का दो रूल, दो रूल का मतलब ये समझ लो कि दो टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम लोग तीसरे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, देखिएगा लिखा क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। अच्छा, पिछला वीडियो क्या था? पिछला वीडियो ये था कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। असर्टिव तो आप सब समझते ही हो कि असर्टिव में अफर्मेटिव भी आ सकता था, निगेटिव भी आ सकता था, जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो वहां सीखा गया कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? आज यही सीखेंगे कि आज केवल व केवल असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ना है, और असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव निगेटिव होता है। तो आज सीखेंगे कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव कैसे बनाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपने हाई स्कूल में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपके सिलेबस में पहले था। अब तो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पहले पूछा जाता था कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे उसमें दे दिया कि ही इज गोइंग टू स्कूल, आप निगेटिव बनाओ तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मतलब सीधा सा फंडा था हाई स्कूल में कि अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको नॉट का यूज कर देना है। बट होता क्या है कि जब हम अलग क्लासों में जाते हैं, थोड़ा सा उच्च क्लास में जाते हैं, तो वहां पर रूल्स में थोड़ा परिवर्तन हो जाते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। जो मेन आपका लेशन कह लीजिए वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको ऐसे वाक्य का रूप बदलना है कि उसका अर्थ ना बदले। इसीलिए यहां पर अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाओगे तो केवल नॉट लगाने से काम नहीं चलने वाला है, आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी। तो निगेटिव बनाने के भी 6 रूल होते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि पहला रूल कौन सा होता है। देखिए, पहला रूल कौन सा होता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये तो आप सभी जानते हो, अपने मैंने बताया आपने हाई स्कूल में यही तो पढ़ा था कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो वाक्य का रूप बदलने के साथ साथ वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, और आपने कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो रूप भी बदला और अर्थ भी बदला, जो कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो एक बात जान लीजिए कि रूप तो बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे कहा जाए कि वह मोटा है, ही इज फैट, और आपसे कहा जाए निगेटिव बनाओ, आपने कर दिया कि ही इज नॉट फैट, वह मोटा नहीं है, तो बताइए रूप बदला? बिल्कुल, लेकिन रूप बदलने के साथ साथ अर्थ भी तो बदल गया। तो यहाँ पर हमको ऐसे नहीं बदलना है, वह मोटा है। अगर इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि वह पतला नहीं है। तो दोनों का भावार्थ तो एक ही निकल रहा है। आप किसी को कहें चाहे वह मोटा है चाहे कहीं वह पतला नहीं है, आप कह दीजिए कि वह मूर्ख है, ठीक। एक सेंटेंस से वह मूर्ख है, निगेटिव बनाइए, वह बुद्धिमान नहीं है। तो भाई बुद्धिमान नहीं है तो मूर्ख ही तो हुआ। तो कहने का मतलब ये किताब आसान है। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव बनाना है तो आप क्या कहेंगे, ये किताब कठिन नहीं है। क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि ये किताब आसान है और आपने इसका निगेटिव ऐसे बना दिया कि यह किताब आसान नहीं है, तो यहाँ पर रूप बदलने के साथ साथ अर्थ पूरी तरह चेंज हो जा रहा। तो ये बेसिक चीज़ें आप इसको जानिए कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ लिखी गई है कि आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए भैया नॉट लगाने के बाद आपको एंटानिम्स का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि आपको विलोम शब्द लगाना आपको विलोम शब्द लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद विलोम शब्द लिखते हैं, विलोम शब्द आपको लिखना है।
देखिए इसीलिए जो आपका इंटरमीडिएट है इसमें आपको एंटोनियम्स की वोकैबुलरी पढ़ाया जाता है। अब उसका जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं याद करेंगे, 3 ही मार्क्स का तो आता है, 1-2 मार्क्स का आएगा छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप एंटोनियम्स नहीं याद करते हो तो यहाँ आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप नॉट लगाओगे, नॉट के बाद एंटोनियम्स लगाओगे। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो सीधा सा रूल तो समझ में आ गया कि आपको नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद आपको विलोम शब्द लिखना है। एक क्वेश्चन है कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, निगेटिव आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने ऐसे बना दिया कि सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि वहां पर तो अर्थ ही बदल गया, ठीक, कि सीता सुंदर लड़की आपने बनाया, सीता सुंदर लड़की नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा सहायक क्रिया के बाद, तो सीता इज नॉट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको विलोम लिखना है। तो ब्यूटीफुल का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल का विलोम होता है अगली। तो ये क्या हो गया कि सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। अब ध्यान दीजिए, सीता एक सुंदर लड़की है, ओके, इसका अर्थ क्या हो गया, सीता बदसूरत लड़की नहीं है, इसका मतलब कैसी लड़की है, वो सुंदर लड़की है। तो कहने का मतलब देखिए, वाक्य का रूप तो बदल गया लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला। एक सेंटेंस मैं और आपको यहां पर लिख रहा हूं कि अगर आ जाए कि माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट, मेरा दोस्त ईमानदार है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली चीज तो याद है कि आपको नॉट लगानी है, तो आप नॉट लगा दीजिए। तो क्या हो गया, माई फ्रेंड इज नॉट। अब ऑनेस्ट का क्या होगा एंटोनिम्स, तो ऑनेस्ट का होगा डिसऑनेस्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा कि माई फ्रेंड इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो चाहे कहे कि मेरा दोस्त ईमानदार है, चाहे आप बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त बेईमान नहीं है। तो जो प्राथमिक रूल है वो यही रूल है कि आपको नॉट का यूज करना है, और नॉट का यूज करने के बाद आपको क्या लगाना है, एंटोनिम्स लगाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। जैसे कि माई शर्ट इज लूज, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा कि माई शर्ट इज लूज, मेरी शर्ट ढीली है, आपको बनाना है इसको निगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, माई शर्ट इज नॉट टाइट, ठीक। अब देखते हैं अगला रूल। देखिए बहुत सारे रूल हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि निगेटिव में एक ही रूल है। एक देखिए होता क्या ना, एक ही टॉपिक में कोई एक रूल नहीं रहता, उसमें ढेर सारे रूल आते रहते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या वनली शब्द का प्रयोग हुआ, बहुत सिंपल रूल है, ध्यान से देखिएगा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ हो, एलोन का प्रयोग हुआ हो, या अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हुआ हो, तो जब ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाते हैं भैया तो नन बट का प्रयोग करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये वनली चाहे वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, चाहे तो ये एलोन वाक्य के अंत में आ जाए, चाहे तो एलोन वनली वाक्य के बीचों बीच में आ जाए, बस अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या वनली का प्रयोग होता है और आपको निगेटिव बनाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आपको नन बट का यूज करना पड़ेगा। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एलोन वनली कहीं पर भी आए, आपको नन बट का यूज तो करना है, और नन बट का यूज वाक्य के प्रारंभ में ही करना है। ऐसा नहीं है कि जहां इसे एलोन शुरू में आ गया तो आप शुरू में नन बट लगाएंगे, ये वनली बीच में आ गया तो आप बीच में नन बट लगाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एलोन या वनली पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आते हैं, आपको नन बट का यूज सेंटेंस में करना है, वो भी वाक्य प्रारंभ में करना है। सेंटेंस लिखा गया कि ओनली राम पास्ड इन इंग्लिश, केवल राम इंग्लिश में पास हुआ। अब आपको इसको मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ, तो आप निगेटिव कैसे बनाएंगे, कुछ आपको करना ही नहीं निगेटिव में। अब यहाँ पर जहां पर वनली लिखा हुआ है, देखिए वनली लिखा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी चीज है, आपका काम क्या है कि आपको सबसे पहले यहां लिखना है नन बट। यही वनली अगर बीच में आ गया होता, मान लीजिए यही वनली बीच में आया होता, नो प्रॉब्लम, आपको नन बट जो है प्रारंभ में ही लगाना है, तो नन बट हो गया। फिर आपको क्या करना है, लिखना है राम, तो नन बट राम, उसके बाद आपको क्या लिखना है, पास्ड इन इंग्लिश, ये आपका हो गया सेंटेंस। एक सेंटेंस मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि जैसे कोई सेंटेंस, ध्यान सुनिएगा, सेंटेंस आ गया कि सोहन एलोन गॉट द प्राइज, ध्यान सुनिएगा, सोहन एलोन गॉट द प्राइज। देखिए एलोन बीच में आया है, कर्ता के बाद आया है, बट आपको निगेटिव बनाना है तो आप कैसे लगाएंगे, आपको निगेटिव बनाना है तो आप वाक्य प्रारंभ में लगाएंगे कि नन बट सोहन गॉट द प्राइज, ध्यान सुनिएगा, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, गॉट इट स्टूडेंट्स। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है, कोई भी प्रश्न आपका फंसता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है A to Z, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं
अगला आपका जो रूल है भैया, इसको आपने बहुत बार पढ़ा है और एक बार फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि देखिए, एक सेंटेंस लिखा गया कि ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ठीक। अब इसको निगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिए, इसको निगेटिव आपको बनाना है। इस टाइप के सेंटेंस से आपकी मुलाकात कहाँ हुई है? इस टाइप के सेंटेंस से आपकी मुलाकात सिंटैथिक्स में, सिंपल सेंटेंस में हुई है। इस टाइप के वाक्यों से मुलाकात आपकी कहाँ हुई है? इसी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले टॉपिक में हुई है, रिमूव टू में, जहाँ आप टू हटाते थे। तो देखिए लिखा क्या हुआ है रूल, कि यदि वाक्य में एडवर्ब टू तथा इन्फिनेटिव टू का प्रयोग है तो निगेटिव बनाते समय रिमूव टू का नियम लगाते हैं। अब जिन स्टूडेंट ने रिमूव टू का नियम पढ़ा होगा, मैंने पहले वीडियो में आप सबको बताया था, तो उनके लिए काम बहुत ही इजी होने वाला है। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि अगर किसी वाक्य में टी डबल ओ का प्रयोग होता है, आपको रिमूव टू करना है, तो क्या करते हैं? तो ऐसे वाक्यों में टी डबल ओ के स्थान पे सो का प्रयोग करते हैं, याद है, वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। दैट के बाद क्या करते हैं, पुनः वही सब्जेक्ट लिखते हैं जिससे वाक्य का प्रारंभ हुआ रहता है। उसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में रहता था तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस में रहता था तो कुड नॉट। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका सेम होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप निगेटिव बनाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है आप रिमूव टू बनाओ, दोनों आ सकता है। या कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्या आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस एक सेंटेंस से तीन चीजें हमारे क्लियर होती हैं, कि अगर किसी वाक्य में एडवर्ब टू, टी डबल ओ और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स तीन प्रकार से पूछे जा सकती हैं, आपका आंसर तीनों कंडीशन में सेम ही होगा। पहली स्थिति क्या है कि आपसे निगेटिव सेंटेंस पूछा जा सकता है कि भैया इसका निगेटिव बताओ क्या होगा, आपसे कहा जा सकता है कि भैया इसका रिमूव टू कर दीजिए, वही होगा, आपसे कहा जा सकता है कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। इन दीज कंडीशन क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। आपको निगेटिव बनाना है ना, आपको निगेटिव का कोई इसके लिए अलग से रूल नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको बस करना सिर्फ इतना है कि आप जो रिमूव टू का रूल पढ़े हो आप उसी को फॉलो करते हुए चलिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही लिख देंगे, फिर इज लगा देंगे, टी डबल ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, मैंने आपको बताया ही था। फिर क्या करेंगे, ओल्ड लिखेंगे, अब आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, पुनः वही सब्जेक्ट जिससे वाक्य का प्रारंभ हुआ है मैंने उसको लिख दिया। अब टेंस प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, तो यहाँ पर इज लगा था तो आपने कैन नॉट लगा दिया, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, तो कोई कठिन चीज थी? बिल्कुल भी टफ चीज नहीं थी, आसानी से आपका रिमूव टू बन गया। देखिए इसमें सिक्स रूल है, आपका जो रिमूव ये अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें सिक्स रूल है, बट मैं सोच रहा हूँ इसको दो पार्ट में आप लोगों को दिया जाए, पार्ट वन पार्ट टू। ये आपके तीन रूल तो समाप्त हो गए, अब आइए देखते हैं इन तीन रूल से संबंधित कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही सेंटेंस हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सब। देखिए स्टूडेंट, एक कुछ सेंटेंस है, मैं इसको करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या कहता है कि ओनली अ रिच मैन कैन बाय दिस बिल्डिंग, ठीक, केवल एक धनी आदमी यह इमारत खरीद सकता है, आपको निगेटिव बनाना है। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, आपने ओनली शब्द देखा तो आपको पता है ओनली, और अगर किसी वाक में एलोन शब्द आता है तो सर ने इसका क्या बताया, तो सर ने इसका निगेटिव बताया। बहुत ही सिंपल है कि ओनली और एलोन शब्द पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको किसका यूज करना है इसके स्थान पे, आपको यूज करना है नन बट का यूज करना है। अब आगे के सेंटेंस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आगे का सेंटेंस जैसे लिखा गया है आपको क्या करना है, हूबहू वैसे उसको उतार देना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बात समझ में आ गई, तो याद रखिएगा वर्ड कौन सा है, एलोन और वनली शब्द, किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आए, किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आए, आगे पीछे बीच में, आपको निगेटिव बनाने के लिए बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको नन बट का यूज करना है, और वो भी आपको नन बट का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे पीना पसंद है। अब देखिए इस सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या करना है, आपको निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव का जो प्राथमिक रूल होता है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दो, उसके बाद एंटोनिम्स लगा दो, बट अब इस वाक्य में आपको कहीं सहायक क्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आपने देखा लव्स लिखा हुआ है, क्रिया में एस लगा हुआ है, तो ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस एस लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, उसकी सहायक क्रिया डज नॉट और डू नॉट होती है। क्रिया में यस एस लगा हुआ है, कर्ता सिंगुलर है, तो सहायक क्रिया डज नॉट का यूज हम लोग करेंगे। ये निगेटिव कैसे बनेगा, ये निगेटिव आपका बन जाएगा कि ही डज नॉट। ये बात क्लियर हुई,
अब आपको एंटानिम्स का यूज करना है। तो लव मीन्स होता है प्रेम करना, लव का एंटानिम्स क्या होता है? हेट। अगर आपको एंटानिम्स नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा और वहां से जाके आप एंटानिम्स की वीडियो भी देख सकते हो, अपलोड चैनल पे कर दी भी गई है और भी वीडियोस एंटानिम्स की भी अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हो जाएगा हेट। तो क्या होगा कि ही डज नॉट हेट, और अंत में जो शब्द लिखा उसको आपको हूबहू वैसे ही उतार देना है। देखिए अब अगला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन। कुछ भी आपको नहीं करना है, टी डबल ओ वाला सेंटेंस है, हल्का सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है आप हैज बीन देख करके, लेकिन बिल्कुल नहीं, आप अपने रूल पे काम करेंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्या होगा, हर लव हैज बीन, अब जहां टू है वहां आपको सो का यूज करना है, आपको डीप ऐसे लिख देना है, अब आपको दैट लगाना है। देखिएगा फ्रेंड, मैंने क्या बताया था कि जब कोई सब्जेक्ट ही सीट आई बी यू दे हो तो आप पुनः वही लिख देंगे, लेकिन जब किसी निर्जीव की बात करी जाएगी तो ऐसी कंडीशन में आपको इट का यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। कोई दिक्कत, तो यहां पर आप इट का यूज कर सकते हैं। अब इट के बाद आपको भाई कैन नॉट कुड नॉट तो यूज ही करना है, प्रेजेंट टेंस की बात है तो आपको कैन नॉट, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको हमेशा वही मिल जाए, इज एम आर ही मिल जाए, तो कभी अगर हैज है बीन भी मिलता है तो उससे प्रॉब्लम होने वाली कोई बात नहीं, उससे आप घबराइएगा नहीं, है तो प्रेजेंट टेंस ही, तो कैन नॉट हो जाएगा। अगर आपको बी दिया है तो आप बी को ज्यों का त्यों उतार के सेंटेंस बना दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, आपको निगेटिव बनाना है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, आप जहां यहां पर ओनली है आप नन बट का यूज कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी आगे नहीं करना है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आप सेंटेंस को वैसे हूबहू उतारते हुए चले जाइए, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं का पार्ट वन। पार्ट वन आपने देख लिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं उसका पार्ट टू भी आप जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट वन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट टू है, तो पार्ट टू से भी बहुत सारे प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं तो जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और फ्रेंड आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, इतनी मेहनत न्यू हेवन क्लासेस आपके लिए कर रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।